हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एग्री मनी मेडिसिन के बारे में बात करूंगी। तो नमस्ते, आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर जरूर कर दीजिएगा। जिस तरह बायोकेमिक हेमोपैथिक ब्रांच है, वैसे ही बेस फ्लावर भी हेमोपैथिक ब्रांच है। कई सारे वीडियो हमने हेमोपैथिक पे बनाई है। एग्री मनी का पेशेंट ये बहुत ही सामाजिक पेशेंट होते हैं और शांत दिमाग का भी होता है। इसे झगड़ा नहीं पसंद है और दूसरी बात, ये लोग के बीच रहना पसंद करते हैं। अकेलापन इनको अच्छा नहीं लगता है। चार लोगों के अगर इन्हें साथ ना मिल जाए तो ये बड़े ही सुकून से रहते हैं। लोगों से मिलना जुलना, उनके सुख दुख में काम आना या कहीं कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है तो वह वहाँ पे एग्री मनी के पेशेंट बड़े ही एक्टिव रहते हैं। और किसी भी फंक्शन में वहाँ का वातावरण कैसे खुशनुमा बनाना है उसमें ये बहुत माहिर होते हैं। जैसे अभी चार लोग बैठे हैं तो ये कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे लोग खुश हो जाते हैं। ये हंसने लगते हैं, चुटकुला वगैरह देना या कोई ऐसी हरकतें करते हैं जिससे आदमी को हंसी आ जाती है। इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा होता है। इन्हें मायूस चेहरा पसंद नहीं होता है, इसलिए मायूस नहीं होने देते हैं। दुखी हैं तो उसे कैसे हटाए, ऐसा क्या कर दे जो उनका दुख दूर हो जाए। मान लीजिए एग्री मनी का पेशेंट अगर बीमार है तो मान लीजिए उसके चार दोस्त आए हैं तो वो उन्हें दुखी नहीं देख सकता है, बीमार है फिर भी। इस तरह का एग्रीमेंट का पेशेंट होता है। ज़िंदगी का अलग ढंग से जीते हैं। बट इट इज़ पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई इंसान सचमुच ऐसा हो सकता है? नो, थोड़ा करीब जाइए, यानी उसके दिल के करीब जाएंगे तो धीरे धीरे आपको ये एहसास होने लगेगा कि ये आदमी जितना खुश है वाकई में वो इतना खुश नहीं है, फिर भी ये खुश रहता है। उसे ये बहुत आशावादी होते हैं, जल्दी हार नहीं मानते हैं। एग्री मनी के पेशेंट ज़्यादातर इंसोमेनिया के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि बेड पर जब आप सोने जाएंगे तब अक्सर वो आदमी अकेला ही होता है। जबकि इनकी तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये नशे का सहारा लेते हैं, यानी शराब का सहारा लेते हैं। जब कुछ केस में तो ऐसा भी देखा गया है कि शराब से भी अगर इनकी बात ना बने तो तब ये ड्रग्स पे चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद भी ये जल्दी वायलेट नहीं होते हैं, अग्रेसिव नहीं होते हैं, बट आई देन आर पीस लवर। आई होप एग्री मनी के बारे में जो मैं बताई हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।